बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है वो बर्थ का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पेज 100 एंड 101 पर जो है ये टॉपिक आपका मौजूद है। तो बेटा जी, बर्थ जो है इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड 280 डेज, अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर लें तो 40 वीक्स बनते हैं। मेडिकल साइंस में ज़्यादा वीक्स काउंट किए जाते हैं डेज और मंथ की बजाय जो है। तो बेटा जी, टोटल गेस्टेशन पीरियड, तो गेस्टेशन पीरियड क्या है? प्रेगनेंसी पीरियड ही है। उसको डिफाइन मैंने कर दिया है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो अब बेटा जी, प्लेसेंटा जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो है वो फीटस यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो है ना एंडोमेट्रियम जो है इनके दरम्यान में क्या फीटल टिश्यू और एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो मिलकर प्लेसेंटा बनाना शुरू कर देती हैं। तो वो प्लेसेंटा जो है वो जस्ट नॉट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन द फीटस एंड मदर यानी एम्ब्रियो एंड मदर, बट इट्स आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये अपनी ब्लड अपने हार्मोन्स रिलीज करता है, उन हार्मोन्स को ब्लड में डालता है, फिर ब्लड के जरिए से वो हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं वो ज़रा देखते हैं। वंस द प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश, जब बन जाता है तो इट स्टार्ट सेक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विच मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी यानी गेस्टेशन पीरियड के दरमियान किसी भी वजह से कम हो जाता है, डाइट की वजह से, खौफ की वजह से, एलर्जी की वजह से, तो मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकती है, वो ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तो बेटा जी, डेवलपिंग एम्ब्रियो की जो है एनी डिस्टर्बेंस इन सेक्रेशन में लीड टू प्री मेच्योर, वक्त से पहले बर्थ हो सकती है और मिसकैरेज। अब बेटा जी, एमनियॉन या एमनियोटिक सैक, एमनियॉन क्या है? अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको सिखाया था कि जो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स, इनके एम्ब्रियोज जो हैं वो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ टिश्यूज में जो है वो पैक्ड होते हैं। वो मेम्ब्रेनस टिश्यू जो कि एम्ब्रियो को पैक करती है उसे एमनियॉन कहते हैं। तो इसलिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स को एमनियॉन्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बेटा जी, हम ह्यूमंस के अंदर भी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो एक एमनियॉन थैली के अंदर जो है वो पैक्ड होता है, ठीक हो गया ना जी। तो उस प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैविंग एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये क्या करती है? ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन्स इनक्लोज एमनियोटिक सैक फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड तो विच इज़ प्रोटेक्टिव एंड शॉक एब्जॉर्टिव, ताकि जो है वो मदर के यूट्रस के अंदर जो है वो बेबी को कोई डैमेज ना हो। अब बेटा जी, अगली तरफ आ जाते हैं, ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन। ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड पेच्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर, ठीक है ना जी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड पेच्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर सिक्रिएट प्रोड्यूसेस ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन। FSH तो पैदा नहीं होगा क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है FSH पैदा नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या पैदा होता है? LTH। प्लेसेंटा आल्सो सिक्रिएट्स ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और साथ साथ प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन भी खर्च कर रहा है और साथ प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन हार्मोन। ये लैक्टोजन हार्मोन जो है वो ह्यूमन फीमेल के जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनको डेवलप करता है, तैयार करता है फॉर लैक्टेशन, दूध पिलाने के लिए। उनमें फिर दूध पैदा करने वाले जो सेल्स और टिश्यूज चाहिए वो बनना शुरू हो जाते हैं, इज प्रिपेयर फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? फ्रॉम लैक्टेशन की डेफिनेशन, फीडिंग मिल्क बाय मदर टू इन्फेंट्स, तो पैदा होने वाला बच्चा जो दूध पीता है, दूध पीने वाले बच्चों को इन्फेंट्स कहते हैं, ठीक है ना जी। तो उस इन्फेंट्स को दूध पिलाने के अमल को क्या कहते हैं? लैक्टेशन। अब बेटा जी, जो है फीटस और देखें जो है वो जायगोट से एम्ब्रियो बनने तक जो है ना वो मुख्तलिफ स्टेजेस है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज एम्ब्रियो स्टेजेस के मुख्तलिफ नाम होते हैं, तो उनमें से एक है फीटस। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पेज 101 पे 101 पे, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द ह्यूमन एम्ब्रियो इज रेफर्ड एज फीटस। ह्यूमन एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? फीटस का नाम देते हैं। तो बेटा जी, ये मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स इस फीटस के अंदर ज़्यादातर जो है वो 12th वीक से
जो बन चुके होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बिटवीन बाय द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड द रिमेंडर ऑफ द गेस्टेशन पीरियड टेकन अप बाय ग्रोथ, यानी उस 3 माह में मुकम्मल एम्ब्रियो जो है वो बन चुका होता है, तमाम बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं, बाकी अब उसने साइज में ही इंक्रीज करना होता है। तो अब बेटा जी ओल्ड कंसेप्ट अबाउट द टाइमिंग ऑफ बर्थ, के बर्थ कब होगी, डिलीवरी कब होगी, ठीक हो गया ना जी। तो उसकी टाइमिंग, पहला ओल्ड कंसेप्ट ये था कि हार्मोनल एक्टिविटीज इन विद इन मदर जो है ये डिटरमिन करती हैं टाइमिंग ऑफ बर्थ जो है, तो स्पेशली जो डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल, ऑनसेट का मतलब है स्टार्ट द बर्थ प्रोसेस। लेकिन जो है रिसेंट रिसर्चेज जो हैं और मॉडर्न रिसर्चेज के जो एविडेंसेज हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि टाइमिंग ऑफ बर्थ खुद फीटस ने डिटरमिन करनी है कि उसने कब माँ के पेट से जो है वो डिलीवर होना है। तो देर इज़ ए हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन टाइमिंग ऑफ द हाई डिग्री ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट इन द टाइमिंग ऑफ बर्थ जो है, ये मैंने हेडिंग छोटे छोटे से बना दी हैं कुछ इस तरह से। अब ये बड़े मैकेनिज्म भी है, समझ लें ये क्या है, मैकेनिज्म भी है, ये मॉडर्न कंसेप्ट मैकेनिज्म भी है 9 पॉइंट्स तक जो है। तो फीटल मैकेनिज्म ऑफ बर्थ जो है, तो बड़ा जी जो है देयर हाई डिग्री ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट इन द टाइमिंग ऑफ बर्थ, द इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ इज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम फीटल पेचुटरी। बड़ा जी असल में ना जो है वो 9 मंथ की प्रेगनेंसी को 3 सेमेस्टर्स में, जिस तरह से आपके स्टडीज़ के सेमेस्टर होते हैं उन्हें मेस्टर्स कहते हैं, वो जो ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें जो है वो फीटस का पेचुटरी ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीशंस खारिज करना शुरू कर देता है। सेकंड मेस्टर में जो है वो कम खर्च करता है, लेकिन जो है वो थर्ड मेस्टर जो कि 6 से 9 माह में चलेगा, ठीक है, यानी कि पहले 3 फिर 3 से 6 फिर 6 से 9, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो हार्मोन रिलीज करता है। तो स्पेशली जो है वो पेचुटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। द इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम फीटल पेचुटरी, पहला स्टिमुलस फीटल के पेचुटरी से आना है। तो वो क्या करता है, द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफी ACTH रिलीज फ्रॉम फीटल पेचुटरी स्टिमुलेट द फीटल एड्रीनल ग्लैंड्स टू सिक्रीट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम फीटल एड्रीनल ग्लैंड्स। तो बेटा जी खुद जो है वो फीटस का पेचुटरी ग्लैंड ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है, वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो फीटस के ही एड्रीनल ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करते हैं और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो आगे जाके, अब वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस, प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो क्रॉस करके इंटर हो जाते हैं इनटू मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन माँ के खून में, और माँ के खून में जाके वो ब्लड के, माँ के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन लेवल यानी प्रोजेस्टेरोन की मकदार को कम करना शुरू कर देते हैं। तो अगली किताब में कैसे लिखा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विच क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इंटर द मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन काजिंग ए डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन, द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल स्टिमुलेट, द रिडक्शन इन प्रोजेस्टेरोन लेवल स्टिमुलेट मदर्स पेचुटरी ग्लैंड। अब माँ के पेचुटरी ग्लैंड की बारी आ जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो स्टिमुलेट होकर क्या पैदा करना शुरू कर देता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन वेव्स, और वो पैदा करता रहता है, मसलसल पैदा करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी पैदा हो रहा है, ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर पैदा हो गया, ज़्यादा हो गया, इस तरह से। तो यानी वेव्स तो चल रही, उसके प्रोडक्शन की वो चल रही होती, ये नहीं होता कि स्टॉप होता है, नहीं, यकदम उसका लेव प्रोडक्शन जो है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं वेव्स। तो जब ये, इसका मतलब है जो जो ब्लड उसको कैरी कर रहा है उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, उसमें कुछ हिस्से में कभी थोड़ा ऑक्सीटोसिन है, किसी में ज़्यादा है, किसी में थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है, जैसे जैसे ये हाई ऑक्सीटोसिन वाला ब्लड जो है वो जाके यूट्रस को टच करता है, मदर यूट्रस को टच करता है, तो मदर यूट्रस उसके जवाब में कंट्रैक्शंस, हाई ऑक्सीटोसिन लेवल के अलावा कंट्रैक्शन शो करते हैं, बड़े सीवियर कंट्रैक्शन, और उससे बड़ा सीवियर पेन पैदा होता है और उसी को लेबर पेन कहते हैं। दिस इंड्यूसेस लेबर पेन, ठीक है ना जी, इंड्यूसेस लेबर पेन। व्हाट लेबर पेन्स की डेफिनेशन मैं लिख दी है, कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस वॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यूरिंग बर्थ,
बर्थ प्रोसेस के दौरान जो है, बर्थ प्रोसेस के दौरान जो कंट्रैक्शन यूट्रस वाल में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेबर पेन्स कहते हैं। द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन अकर्स इन वेव्स ड्यूरिंग लेबर, यानी बेबी को डिलीवर करना जो है, एंड प्रोवाइड्स द फोर्स टू एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। तो बेटा जी अब नंबर 8 पे डायलेशन, द सर्वेक्स डायलेट्स, यही ऑक्सीटोसिन जो है वो सर्वेक्स का, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक ओपनिंग है यूट्रस की किसर के अंदर, वेजीना के अंदर, उसको डायलेट कर देता है यानी उसका मुंह खोल देता है। एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड डाउन ओवर द यूट्रस एंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब आखिरी डिलीवरी ऑफ बेबी, दस पुशिंग द बेबी डाउनवर्ड लीडिंग टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, द अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज़ ए पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज़ ए पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज लाइगेटेड, उसको कट कर दिया जाता है, वो नाड़ुआ जो लगा होता है जब बच्चा पैदा होता है उसके, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एंड बेबी इज रिलीज फ्रॉम द मदर। तो ये प्रोसेस बर्थ का कंप्लीट हो गया। अब बेटा जी आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ की डेफिनेशन क्या होती है कि वो जो प्लेसेंटा है वो तो एक्स्ट्रा टिश्यू था यूट्रस वाल के ऊपर जो बन गया था, वो सारा उतरता है, वो उतर के वो भी वेजिना के रास्ते जब वो बाहर आ जाता है उसको क्या कहते हैं, उस प्लेसेंटा को जब वो बाहर आ जाता है उसको कहते हैं आफ्टर बर्थ। विद इन 10 to 45 minutes आफ्टर बर्थ द यूट्रस कंट्रैक्ट्स एंड सेपरेट्स द प्लेसेंटा फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा देन पास आउट थ्रू द वेजिना, दिस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। अब बेटा जी लॉस ऑफ ब्लड, ब्लीडिंग, लॉस ऑफ ब्लड आखिरी हेडिंग, ब्लीडिंग थ्रू आउट दिस पीरियड इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स विच कंप्लीटली सराउंड ऑल यूट्राइन ब्लड वेसल्स एंड सप्लाइंग द प्लेसेंटा, एवरेज लॉस ऑफ, लेकिन फिर भी तकरीबन जो है वो एक बर्थ के दौरान जो है वो 350 cubic centimeters जब ब्लड लॉस हो जाता है, बेटा जी हम अपनी माँ का हर एहसान का बदला जो है उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन ये बर्थ का प्रोसेस जो है ये हम कभी नहीं वापस कर सकते। उस वक्त मौत और ज़िंदगी के वो समझने के बैलेंस पर होती है, तो थोड़ी सी भी जो है वो कोई भी डिस्टरबेंस जो है वो उसको मौत का, तो इसलिए हमें अपने माँ बाप का बहुत एहतराम करना चाहिए, तो चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन हो। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।